मैं अब निकलने लगा हूँ यहाँ से। ये मेरा हॉस्टल था जहाँ हम रात को रुके थे। मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ आज काठमांडू के लिए। काठमांडू है लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर। ये रूम मिला हुआ था, रूम दिखाता हूँ। मतलब ऐसा रूम था, इस रूम का मुझे लगभग देना पड़ा था 450 रुपये का। इस लेक साइड एरिया में हर घर में होटल है, हर घर में। ये भी होटल है साथ वाला, ये भी होटल है, वो भी होटल, ये भी सारे होटल हैं। तो कहीं भी आपको इजीली रहने वहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। होटल इजीली मिल जाएगा, खाने पीने की दुकानें इजीली मिल जाएंगी। तो जी पोखरा छोड़ने का समय आ चुका है। काठमांडू बाकी देशों की कैपिटल सिटी की तरह बहुत बड़ा शहर होगा। होटल मैंने वहाँ का अभी तक बुक नहीं करवाया। ऑब्वियसली वो मैं काठमांडू पहुँच कर, मैं जब भी पहुँचता हूँ ना किसी शहर में, वहीं बुक करवाता हूँ। और ख़ासकर ये बाइक का आपको बता दूँ, कल हमने पोखरा में पूछा था कि अगर आपको एक दिन के लिए रेंट के लिए चाहिए बाइक तो कितना लगेगा, है ना। तो यहाँ ये कह रहे थे आपको एक दिन के लिए बुलेट मिलेगी 3500 नेपाली रुपये में विदाउट पेट्रोल। और अगर स्कूटी चाहिए तो जैसे यहाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं तो वो है 1500 नेपाली रुपए विदाउट पेट्रोल। तो जी शहर में से निकल आए और फिर वो पहाड़ी यात्रा शुरू। जैसे हम अभी हाईवे पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ हाईवे पे पुलिस वाले बसों की चेकिंग ज़्यादा करते हैं बजाय की गाड़ियों की या बाइक्स की। अभी यहाँ भी बस रुकी हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे। यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उसकी जो नंबर प्लेट है ना वो रेड एंड वाइट है। तो हमारे इंडिया में ब्लैक एंड वाइट सिस्टम यूज़ होता है, मतलब वाइट प्लेट के ऊपर ब्लैक डिजिट्स के साथ लिखे जाते हैं, यहाँ रेड प्लेट के ऊपर वाइट अक्षर लिखे हैं। सड़कों के मामले में ना सच में इंडिया नंबर वन है। और नेपाल को भी कम से कम, ये जो बड़े बड़े शहर हैं पोखरा काठमांडू, इनको तो आपस में अच्छे से जोड़ना चाहिए, हाईवे वे बढ़िया बनाना चाहिए टूरिस्ट के लिए, ताकि क्योंकि टूरिस्ट तो आते ही यहाँ, पोखरा टूरिस्टों से भरा हुआ था। भाई इस वाहियात रास्ते से आ रहे हैं हम, ये जो पिछले 10-12 किलोमीटर से पहाड़ों पर ये रास्ता बना हुआ जो पोखरा को काठमांडू से जोड़ता है। यार ये तो पता था रास्ता ख़राब है, लेकिन ये नहीं पता था कि सड़कें ही नहीं हैं। अभी कहीं सड़क तो दिखे गई, अब बैंड बज चुकी है, अभी 15-20 किलोमीटर नहीं हुए निकले हुए। ये देखो, मतलब मैं पहले 20 किलोमीटर की सड़क नहीं देखी मैंने, वो जहाँ लास्ट में तारीफ की थी ना थोड़ी सी कि वो लंबी चौड़ी सड़क आई थी, उसके बाद से। अब तक की लाइफ की सबसे डिफिकल्ट ड्राइविंग है यार। अरे यार बहुत बहुत ज्यादा खराब रास्ता है यार ये। ये देखो 25 किलोमीटर नहीं है, ऐसे लग रहा है 250 चल चुके हैं। अभी वो आगे भी दिख रहा है पैच मेरे को। भाई बुरी हालत हो चुकी है यार, बुरी हालत हो चुकी है। देखो ये ऐसे ड्राइव करते हुए ला रहा हूँ मैं, मतलब रोड तो क्या कहें, रोड है ही नहीं भाई, ऊपर से मिट्टी इतनी है यार। अपने हाथ लगते नहीं है, 2 किलो मिट्टी खा गए होंगे आज हम। अभी पेट्रोल डलवाना है यहाँ हमें, पेट्रोल तो नेपाल में पहली दफा पेट्रोल डलवाने लगे हम अभी। यहाँ 180 रुपये लीटर है पेट्रोल, ओके नेपाली 180 ना। हाँ 5 लीटर डाल देना, हाँ 5 लीटर।
नहीं आएगा सर, पायलट नहीं आएगा। कितना हुआ ये? 500 लोग हो? 5 लीटर डालना है, 5 लीटर। 5 लीटर अभी कितना डाल रहे हो? 5 से 4 से, अब 9 से 5 लीटर 9 से होगा। अच्छा 2.78, पहले 2.78 था, ठीक है ओके। उसको पहले एक्चुअली मैंने 5 लीटर बोला तो उसने 500 का डाल दिया, उसने सोचा कि 500 बोल रहा हूँ, फिर 400 और डाला तो 180 × 5 900 का पेट्रोल डाल चुका है अब हमारी गाड़ी में। पेट्रोल महंगा है ना यहाँ, इंडिया से 2500 रुपये महंगा पेट्रोल है यार। चलो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ एक और लंबा तगड़ा जाम है यार लगा हुआ, एक तो वैसे ही रोड का ये हाल है, ऊपर से अब पता नहीं क्या हो गया, अरे जाम ही लगा हुआ है यार। देखो हम ही तो घुसा देते हैं अंदर को। रास्ते में ढाबे पे रुके हैं, ये जगह पड़ती है गोरखा, ठीक है। हालत कपड़ों की मैं बस अभी कुछ दिखा नहीं सकता। फिर हमने यहाँ कराए भटूरे, एक प्लेट मेरी गर्म है ना, फिर अचार मंगवा लेते हैं उससे। तो अभी भी लगभग यहाँ से 130 किलोमीटर के आसपास पड़ा हुआ। अचार है? अचार नहीं है। अच्छा कोई चटनी है? चटनी नहीं है। अरे अचार नहीं है, चटनी नहीं है भटूरों के साथ? हाँ ये सब चलता है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ओके। तो मिर्ची मिर्ची वाली चटनी कुछ भी नहीं है, लेके आ रहा है यार। अचार नहीं है, चटनी नहीं है। तो आपकी ये वाली बस है, बैठ जाओ फिर। लटक बटक के जाओगे क्या? बैठ नहीं रहे, ऊपर भी बैठते हो? ऊपर बैठते नहीं, डंडा मारेगा तू। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके, बाय 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 बाय। हाँ थैंक यू बाय। अब जाके आखिरी 80 किलोमीटर बचे हैं, 90 किलोमीटर तब जाके सड़क सही हुई है। मतलब 115 किलोमीटर हमने बहुत बुरी हालत में गाड़ी चलाई है। मैं आपको अपने ये देखो कपड़े क्या हालत बनी हुई है, अभी पीछे हाथ वाथ धो के हटा हूँ, मुँह हाथ धो के हटा हूँ पूरा। ये मेरे लेफ्ट में तो गोरखा नदी चल रही है, गोरखा नदी है, गोरखा डिस्ट्रिक्ट है। काठमांडू यहाँ से है 50 किलोमीटर यहाँ से राइट में, और हम सिर्फ छोटी सी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। और आपको बताना चाहता हूँ इस तरफ ना अभी मुझे पता लगा चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाएगा, 30-40 किलोमीटर जाएंगे तो ये रास्ता चाइना के बॉर्डर के लिए जाता है। मेरे ख्याल से डेढ़ घंटा और वापस फिर हम काठमांडू में। तो भाई स्वागत है आपका आज नए दिन में काठमांडू में। तो निकल पड़ा हूँ यहाँ से दोपहर के 1:30-2 बजे हैं अभी, तो आपको पशुपतिनाथ मंदिर लेकर जा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा शिवजी का मंदिर है नेपाल में, बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है ये, 4 धामों में से एक धाम माना जाता है ये पशुपतिनाथ मंदिर। इस मंदिर की बहुत सी कहानियां हैं, पहले तो वो आपको बाद में क्लियर करूंगा, पहले उससे पहले ये देखो ये नॉर्मल सड़कें हैं अंदर की काठमांडू की। मतलब चलो हाईवे तो कुछ कुछ ख़राब हुए, लेकिन मुझे लगता है ये जो सड़क की हालत है, मेरी अभी कुछ लोगों से यहाँ बात हो रही थी तो वो कहते भैया हमारे यहाँ 50 साल से डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ, जो घर है ना यहाँ लोगों के, जिसमें मैं हॉस्टल में रह भी रहा हूँ, वो जो हॉस्टल के ओनर थे उन्होंने बताया कि 11 करोड़ का घर है यार उनका। लेकिन वो कैसे हुआ, वो ऐसे कि यहाँ से लोग बाहर चले गए काम करने, बाहर से पैसे भेजने शुरू किए, तो यहाँ के लोग तो अमीर हैं लेकिन जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना गवर्नमेंट के पास,
वो नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे ये बजाज एवेंजर आपको मैंने पहले ही बताया था 1,20,000 की है इंडिया में, यही एवेंजर यहाँ 4 लाख रुपए की पड़ेगी। तो ये लोग कहते हैं अगर बाई चांस हम इंडिया में आ जाएं, ये इतना पैसा लेकर, हम तो बड़ी एक अच्छी सी जिंदगी जिए हैं, मतलब जिसका घर ही 11 करोड़ का है, चलो इंडियन रूपी के हिसाब से 6 करोड़ रुपये हो गया ना, और 4 लाख की ये वाली बाइक है बजाज एवेंजर की, इंडिया के हिसाब से 2.5 लाख की हो गई, तो सही बात है। तो इंडिया में तो बहुत शानो शौकत की ज़िंदगी जिएगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ के लोगों के पास तो है पैसा, लोग कहते हैं यहाँ सब कुछ कंपेटिबल है लेने के लिए। मुझे तो खैर कुछ लोगों ने ये बताया कि उनके वीज़ा भी जल्दी लग जाते हैं यहाँ US के अगर वो अप्लाई करते हैं, लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं है, मतलब जो था भी वो खैर आपके सामने ही है। यहाँ पॉपुलेशन कुल नेपाल की है कुल मिला के 2 करोड़, उसमें से 1 करोड़ तो बाहर है। यहाँ ना हर चीज़ मतलब 60% नेपाल में जो राशन है, जो 60% खाना वाना है, वो आता है इंडिया से, और 40% आता है चाइना से। वो बता रहे थे भाई साहब कि यहाँ से एक बिहार का बॉर्डर भी नज़दीक पड़ता है, तो वो जो टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना आज अपने घरों में, वो आ रहे हैं उधर अपना बिहार से आए हैं सारे, तो सब्जियां बिहार से आती हैं ज़्यादातर, खाने पीने का सामान वामान ये वो, बिहार वाला बॉर्डर नज़दीक है, शायद मुजफ्फरपुर का होगा या मुजफ्फरनगर का, एग्जैक्ट नाम नहीं पता। पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान के बराबर है, बहुत ही बड़ी टूरिस्ट साइट भी है। बंद रहता है वो दोपहर को 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, ठीक है, शाम को 5 बजे और 7 बजे के बीच में आरती चलती है उसकी, और जो अंदर लिंगम पड़ा हुआ है शिव जी का वो भी देखने लायक है। तो जी सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बुद्धा स्टूपा, बुद्धा जी का मंदिर है यहाँ एक। पशुपतिनाथ मंदिर हम शाम को 5 बजे के बाद जाएंगे क्योंकि वो 5 बजे खुलेगा, ठीक भैया। ये आ गया बुद्धा स्टूपा, यहाँ पार्किंग लगी हुई है सारी बाइक्स की, तो कहीं यहाँ हम भी अपनी पार्किंग लगा देंगे जी। बुद्धा स्टूपा में एंट्री हो चुकी है, एक टिकट लेना पड़ेगा। अभी जस्ट पता लगा, एक भाई साहब ने बताया कि जो सार कंट्रीज है ना, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, इनके लिए कम है, फॉरनर्स के लिए टिकट ज़्यादा महंगी है। तो ये बुद्धा स्टूपा 4 सेंचुरी पुराना है यहाँ, मतलब कि 400 साल पुराना हो गया। ये भी कुछ बना हुआ है, पता नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यहाँ एक्चुअली ये जो बुद्धा स्टूपा है ना, ये पता लगा जब यहाँ भूकंप आया था, भूकंप के बाद से ये ऊपर जाने नहीं देते, नहीं तो पहले ऊपर तक जाने देते थे, तो इसलिए ये एक टेंपल बना हुआ साथ में। यहाँ से आप इसका नज़ारा ले सकते हो, और ये मंदिर है। तो गोल गोल पड़े होते हैं ना जो ये घुमा रहे हैं लोग, ये पता क्या है, ये एक्चुअली जैसे हमारे हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो इसको घुमाने पर बुद्धिज़्म का अपना मंत्र है, वो मुझे पता नहीं है कि क्या है। ये देखो, अगर ऐसे घुमाओगे तो कहते हैं कि ज़्यादा धन प्राप्ति होती है आपकी, मतलब बौद्ध धर्म के हिसाब से। ये अंदर भी बड़ा सा बना हुआ था जहाँ मैंने आपको दिखाया था, मंदिर के बाहर भी ये दो बने हुए हैं, तो यहाँ भी इन्होंने दीवार पे लगाए रखे हैं। ये देखो, लोग जाते जाते अपना प्रेस करो। ये देखो, इसके ऊपर मंत्र लिखा भी हुआ है, ओम आगे बढ़ा नहीं है, नेपाली भाषा में लिखा नहीं, ये तो बड़ा यार ओम लिखा हुआ। क्या होगा
काफी थोड़ा तो ये है पशुपतिनाथ मंदिर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं कर रहे यार, फोन भी अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि इसका महत्व इतना है कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंग में से ये आधा हिस्सा माना जाता है केदारनाथ। तो इसकी कहानी ये है कि शिव जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए एक भैंसे का रूप उन्होंने बनाया था, और वो केदारनाथ जहाँ इंडिया में मंदिर है तो वहाँ वो बैठ गए थे, और भीम ने भैंसे को खींच के उसका जो कहते हैं मुँह वाला सिर उठा के यहाँ फेंका था पशुपतिनाथ में, और जो बैक वाला हिस्सा था वो हमारे केदारनाथ मंदिर में रहे। वेदों के हिसाब से एक ये भी कहानी है कि शिव जी और पार्वती हिरण का रूप बनाकर, यहाँ पीछे बागमती नदी है, ये जो मंदिर है ना ये बागमती नदी पर बना हुआ है, तो उसके सामने है जंगल, तो बागमती नदी के सामने जो जंगलों में शिव जी और पार्वती हिरण के रूप में चल रहे थे, तो फिर काफ़ी देवता लोग आए और उनको फोर्स किया कि आप वापस अपने भगवान का रूप धारण करके वापस चलो ऊपर अपने ब्रह्मांड में। कहते हैं जो शिवजी हिरण का रूप बने हुए थे उनके सींग से पकड़ा और एक सींग का टुकड़ा यहाँ गिर गया था, जो कि यह लिंगम बना हुआ है जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। इस मंदिर में आने से पहले आप पहले केदारनाथ मंदिर जाओ, फिर आप यहाँ आ सकते हो, मतलब तभी मान्यता आपकी पूरी होती है, मतलब कहा गया है आप डायरेक्टली यहाँ नहीं आ सकते, सबसे पहले केदारनाथ मंदिर में जाना पड़ेगा।